हेलो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, पूरा डिटेल्ड लेक्चर आप पढ़ेंगे इसके लिए। कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। मतलब जब आप कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो या तो उनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या तो उनमें कीटोनिक ग्रुप होता है, या एक तरह के ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इस तरह के कंपाउंड्स देते हैं जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारी लाइफ में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, और ये तीन बेसिक नेसेसरीज होती हैं, जरूरतें होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट पूरी करते हैं, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए क्लासिफिकेशन में फर्स्ट मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड ट्राइसेकेराइड्स। सेकेराइड्स का मतलब होता है सैक्रॉन, सैक्रॉन को कहते हैं सुगर। ये एक तरह के ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं मोनोसेकेराइड्स की, मोनोसेकेराइड्स, ये मोनोसेकेराइड जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट यूनिट होता है। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ सुगर होते हैं। आप ये कह सकते हो कि इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। अगर मैं मोनोसैकेराइड जैसे C6H12O6, ये वन यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिन्हें आप ग्लूकोज भी कहते हैं और इन्हीं को फ्रक्टोज भी कहते हैं। तो अगर आप इनको फर्दर हाइड्रोलाइज करके सिंपलर सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो नहीं होंगे, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, तो ये मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं। सेकेंड होते हैं ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स। ये सैकेराइड्स कैसे होते हैं, ये ऐसे सैकेराइड्स होते हैं जिनको हाइड्रोलाइज करने पर 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। वो सेम हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं जब हम ओलिगोसैकेराइड्स को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं। जैसे इनके एग्जांपल्स आप देख लीजिए, सुगर होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ये एक तरह के ओलिगोसैकेराइड्स में आते हैं जिनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स एंड टेट्रासेकेराइड्स। अब ये डाई, ट्राई, टेट्रा क्या है, डाइसेकेराइड्स ये सब ओलिगोसैकेराइड के ही पार्ट्स हैं जिन्हें हम डाई, ट्राई और टेट्रासेकेराइड्स कहते हैं। डाइसेकेराइड्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलते हो, वो सेम हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे डाइसेकेराइड्स। ट्राइसेकेराइड्स मीन्स ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हाइड्रोलाइज करें तो वो सेम या डिफरेंट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हो। और टेट्रासैकेराइड्स का मतलब हो जाता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हाइड्रोलाइज करने पर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं, वो सेम हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे टेट्रासैकेराइड्स, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स के ही पार्ट्स होते हैं। थर्ड जो होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड्स। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनका मतलब ये होता है, ये ऐसे सैकेराइड्स हैं जिनको हाइड्रोलाइज करने पर ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स देते हैं, मतलब कई मोनोसैकेराइड की यूनिट्स दे सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स जब इनको हम हाइड्रोलाइज करते हैं। तो इनके एग्जांपल्स स्टार्च हो सकते हैं, सेलुलोज हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है। तो इनका जो एक जनरल फॉर्मूला होता है उसको ऐसे लिखेंगे, C6H10O5n। ये इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसके जरिए आप पॉलीसेकेराइड्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक जो स्ट्रक्चर आप लिखते हैं, मान लीजिए हम एक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं ग्लूकोज का,
ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHO, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। ठीक है, ये 4 जो होल 4 लिखा है मतलब सेम तरह के 4 CHOH अरेंज होंगे। अभी अगर इसको ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर अरेंजमेंट H और OH का लेफ्ट एंड राइट में अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी वजह से ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो अपने में डिफरेंसेस दिखा पाते हैं। खैर, ये इस तरह से ये जो पहला होता है ये तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ये जो 5-1-OH ये और 4-OH ये हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में लगे हुए हैं। ये जो OH होता है ये OH रिप्रेजेंट करता है 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप, ये 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है क्योंकि कार्बन केवल एक साइड से ही दूसरे कार्बन से अटैच होता है। ये जो 4 OH ग्रुप लगे हुए हैं ये होते हैं 2nd डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप लगे हुए हैं। अब इन 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप को डिफरेंसेस बताने के लिए हम एक तरह की रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड से जो सैक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, वहां से पता चलता है कि 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप अवेलेबल होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना पड़ता है कि कैसे पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो उसके लिए क्या होता है एक मॉलिस्ट टेस्ट होता है। मॉलिस्ट टेस्ट, ये मॉलिस्ट टेस्ट क्या बताता है, 1% एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल। जब हम कार्बोहाइड्रेट के सोल्यूशन में ऐड करते हैं और साथ ही साथ में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब के वॉल से अटैच कर मींस टेस्ट ट्यूब के वॉल से ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो उसमें वॉयलेट कलरेशन रिंग का फॉर्मेशन होता है, वॉयलेट कलरेशन रिंग बनती है और यही वॉयलेट कलरेशन रिंग जो होती है वो रिप्रेजेंट कराता है कि कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होता है। ठीक है, वो चाहे मोनोसैकेराइड हो चाहे डाइसैकेराइड हो मींस ओलिगोसैकेराइड हो चाहे पॉलीसैकेराइड हो, इन तीनों का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीट करने पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ परफ्यूरल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। वही परफ्यूरल जब रिएक्ट करता है फर्दर कार्बोहाइड्रेट से अल्फा नेफ्थॉल से, तो ये वॉयलेट कलरेशन रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को डिटेक्ट कराता है। रिएक्टेंट से करी जाती हैं, अलग अलग कंपाउंड से करी जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि फर्दर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए यहां पे मैं यहां पे कंपाउंड लिख रहा हूं CHO, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और यहां पर मैं लिख रहा हूं CH2OH। मैं इसकी रिएक्शन सबसे पहले करा रहा हूं HCN के साथ। अगर मैं HCN के साथ रिएक्शन करूंगा तो ये OH जो लिखा हुआ है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिख सकते हैं। और ये H और CN का जो बॉन्ड होता है ये कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो इसमें होगा क्या, ये जब एड आपके होगा क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगेगा तो यहाँ पे एक CN, जब इस बॉन्ड को हम इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देंगे तो ये ऑक्सीजन पे निगेटिवली चार्ज आ रहा होगा, कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज आ रहा होगा, तो ये CN माइनस जो होगा वो तुरंत कार्बन से अटैच हो जाएगा, जो H प्लस होगा वो तुरंत यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, C इस तरफ H लगा रहेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, और ये CHOH का हो जाएगा होल 4 और यहां पे हो जाएगा ये CH2OH means not OH, ये जो H है यहां पर ये CN आ रहा था, इसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी ग्लूकोज की रिएक्शन अगर मैं करता हूं हाइड्रोक्सिल एमीन से NH2OH, तो NH2OH से रिएक्शन करने पर ये यहां का एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन H2 मिलकर माइनस H2O बना लेंगे, वाटर रिमूव कर देंगे, लेफ्ट कितना रह जाएगा, ये C तो रहेगा यहां पर, तो ये C से यहां पे H लगा देंगे। अब बॉटम साइड में यहां पर CHOH का होल 4 भी ऐसे लगा रहेगा और यहां पर CH2OH भी लगा रहेगा,
बट अब यहां पर कार्बन की वैलेंसी जो है वो दो ही है, अभी दो की डेफिशिएंसी चल रही है, तो जो हमारे पास NOH बचा हुआ है ये ऐसे लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड N O एंड H। अब नाइट्रोजन की भी वैलेंसी यहां पर दो ही है और कार्बन की भी वैलेंसी तीन ही है, तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड NOH लगा देंगे और ये ग्लूकोज ऑक्सिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्लूकोज ऑक्सिन बन जाएगा। ठीक है, थर्ड, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कर देते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O, इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का ओपन स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं CH3CO, CH3CO एंड O। जब ये एक OH ग्रुप यहां पर ये जो H है इसको रिमूव करेंगे और COCH3 वहां पे लगाते चले जाएंगे COCH3, और वो H इसके साथ इस CH3COO के साथ मिल मिलकर CH3COH बना लेगा, मतलब एसिटिक एसिड बना लेगा। तो चार इसमें है, एक इसमें टोटल 5, मैं इसके 5 मोल ले रहा हूं और माइनस के मैं यहां पर 5 CH3COOH रिलीज कर दूंगा, क्योंकि 5 हाइड्रोजन निकलेंगे और पांचों हाइड्रोजन इतने ग्रुप के साथ मिलकर एसिटिक एसिड बना लेंगे। तो लेफ्ट क्या रहेगा, हर एक हाइड्रोजन के पास COCH3 ऐड हो जाएगा, ऊपर एज इट इज लिखेंगे CHO और यहां पर हो जाएगा CHO। अब यहां पर क्या हो जाएगा COCH3, यहां पर भी अब इसका सीधे सीधे हम होल फोर कर रहे हैं, यहां पर हो जाएगा CH2O O COCH3। तो इसे कहते हैं ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ये पेंटाएसिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसे ग्लूकोज पेंटाएसिटेट कहते हैं, ये इस तरह से बन जाएगा। अगर इसी ग्लूकोज में मुझे 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप दिखाना पड़ता है तो मैं इसमें क्या करूंगा, पहली बात अगर आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हो HNO3 के प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। CHO ग्रुप जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप, वो तो COOH में बदल ही जाएगा, क्योंकि मुझे बात करनी है अल्कोहलिक ग्रुप दिखाने के लिए, तो ये COOH में कन्वर्ट होने के बाद ये COOH का होल फोर एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल ग्रुप होते हैं। ये जो CH2OH है ये 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिससे आप कहते हैं सैक्रिक एसिड। और ये सैक्रिक एसिड रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप अवेलेबल है। तो ये कॉमन रिएक्शन है ग्लूकोज की जो